हाय गाइस, मेरा नाम अरुण है और आप देख रहे हैं सिक फिट यूट्यूब चैनल। और आज वीडियो के थंबनेल से आपको समझ आ ही गया होगा कि हम प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी प्री वर्कआउट मील है वो एक सिंपल ब्लैक कॉफ़ी है। इसमें मैं एक स्पून कॉफ़ी का यूज़ करूँगा और उसको बॉइल करूँगा एक कप पानी में, और उसमें कोई भी चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगा। तो आइए चलते हैं हमारे प्री वर्कआउट मील की तरफ। देखिए मैंने उसको कैसे प्रिपेयर किया है। ये काफ़ी इजी है और आप लोग भी इसको इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आपने अभी देखा कि हमने अपनी ब्लैक कॉफ़ी जो हमारी प्री वर्कआउट था हमने उसको कैसे प्रिपेयर किया है। आइए चलते हैं अब हम पोस्ट वर्कआउट मील की तरफ। इसमें मैं 3 whole egg का यूज़ करूँगा और 12.5 grams ऑफ मूंग दाल लूँगा, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है कार्ब्स का। जो एग है वो बहुत अच्छे सोर्स है फैट्स के और प्रोटीन के। और इसके साथ मैं लूँगा 1/2 scoop ऑफ वे आइसोलेट प्रोटीन, जिसमें ना कि कार्ब होगी ना ही फैट होगा। आइए देखते हैं कि मैंने जो एग है उनकी भुर्जी कैसे बनाई है। तो एग भुर्जी देखिए काफ़ी इजी है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और पैन में तो इसको आप बना ही सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है। इसमें मैंने अनियन, टमाटो, रेड चिली, ग्रीन चिली और इसी का ही यूज़ किया है, ना मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया है, और इसको मैंने नॉर्मली ही प्रिपेयर किया है। तो चलते हैं हमारी पोस्ट वर्कआउट मील की तरफ। तो आपने देखा कि हमारी एग भुर्जी तैयार हो चुकी है, जिसको हमने गार्निश किया है 12.5 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल से, और इसमें 1/2 scoop ऑफ वे आइसोलेट प्रोटीन मिलेंगे। तो यही था आज की वीडियो में प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। तो एक बारी मैं आपको पोस्ट वर्कआउट मील के मैक्रोस बता देता हूँ।
तो इसमें टोटल जो प्रोटीन है 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, जो इसमें नेट कार्ब है वो 9 ग्राम्स ऑफ नेट कार्ब है, क्योंकि हम डाइट्री फाइबर को कार्ब में इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो डाइट्री फाइबर्स है वो भी दो तरह के होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है ताकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। और इसमें जो फैट्स है वो 15.5 ग्राम्स ऑफ फैट्स है। तो यही थी हमारी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सत श्री अकाल।